मुर्तसिम भाई की जिंदगी तो खराब मत करें, माँ मीनू को वापस बुला ले। यकीन करें मेरा, मेरा मेरा बेकसूर है। मैं आपको कह रही हूं मां, मैं इस घर से तब तक रुखसत होके नहीं जाऊंगी जब तक आप खुद मीरब को वापस नहीं ले आती। आपको मीरब को लाना हो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे छोड़ के चला गया यहाँ। लेकिन तुम लोग के खानदान में तो ये तलाके वलाके होती नहीं है। कभी सुना नहीं कि किसी की मंगनी या शादी टूटी हो, और तुम तो मुर्तसिम खान की बीवी हो ना। वो तो खानदान का सरबरा है, तो वो फिर कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? मुर्तसिम ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझ पे एतबार ही नहीं है। सबा मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि उसकी सजा वो मुझे ये देता। मोहब्बत का दावेदार इतना बेएतबार कैसे हो सकता है? बार तो मोहब्बत की सीढ़ी होती है, कदम कदम पे भरोसा मांगती है, इज्जत मांगती है। मुझे तो लगता है कि लोग मोहब्बत जाने बगैर ही उसका इजहार कर देते हैं। या आंखों की ठंडक को मोहब्बत समझते हैं, लेकिन जब मोहब्बत अपना हक मांगती है, एतबार मांगती है, तो हाथ छुड़ा के चले जाते हैं। और आंखें ऐसे बीछ लेते हैं जैसे कभी देखा ही नहीं। मेरा भी क्या, तुम्हें तो मुर्तसिम से मोहब्बत हो चुकी है। नहीं। हाँ बेशक तुम्हें उसे गिले शिकवे हो, लेकिन ये मोहब्बत तो इन्हें गिले शिकवों से जाहिर हो रही है। नहीं सबा, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर ऐसा हो गया तो फिर रोहेल का क्या होगा मीरा? कोई भी रिश्ता मोहब्बत के सिवा नहीं होता मीरब, और मुर्तसिम तुमसे मोहब्बत नहीं करता, उसके लिए तुम सिर्फ उसकी अना और गैरत का मसला हो। वो तुम्हें सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रहा क्योंकि वो अपने आप को एक कमजोर मर्द साबित नहीं करना चाहता। अगर वो ऐसा करेगा ना तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे उस पर। उसे तुमसे कोई लगाव नहीं है, ना ही मोहब्बत करता है। उसे सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी अना प्यारी है, तुम नहीं। मेरी बात मान लो, निकल आओ उस घर से। अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। चलो और कहीं बैठ के बातें करते। वादा करो तुम अब कभी रोहित से नहीं मिलोगे मीरा, कभी नहीं। मर जाना वादा करने से कहीं ज्यादा आसान है, पता है क्यों? मर जाने से हर वादा, हर कसम खत्म हो जाती है। जिंदा रह के वादा निभाना पड़ता है।